छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अनाज मंडी में किसानों का शोषण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किसानों से धान अधिक ली जा रही है, लेकिन तोल कम बताया जा रहा है। तोल के नाम पर गड़बड़ी की जा रही है, इस तरह के किसानों ने आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बलंगी में किसानों का शोषण हो रहा है। धान के प्रति बोरे का 41 किलो 200 ग्राम का नाप लिया जा रहा है, जबकि 40 केजी 700 ग्राम धान का नाप बताया जा रहा है। जब मीडिया की टीम खरीद केंद्र पहुंची तो उस दौरान मीडिया कर्मियों को खरीद केंद्र में आता देख आनन फानन में समिति प्रबंधक कुछ किसानों के कान भरने में लग गए। किसानों को कहा गया कि यदि आप लोगों से पूछा जाए कि कितने की भर्ती ली जा रही है तो आप 40 केजी 700 ग्राम बताएं। परंतु कुछ किसान जहां मीडिया कर्मी पहुंचे, उन्होंने साफ शब्दों में बता दिया कि हमसे जब हमारा पहली बार टोकन काटा था उस वक्त 41 किलो 200 ग्राम धान खरीदी गई है, लेकिन 40 किलो 700 ग्राम धान बताई जा रही है। परंतु आप लोगों के आने पर जितने कर्मचारी हैं चारों तरफ दौड़ दौड़ कर किसानों के कान भरने में लग गए। इस संदर्भ में हमने समिति केंद्र से ही अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफन नगर को फोन लगाया और इस बारे में जानकारी ली, लेकिन समिति प्रबंधक झूठ बोल गए कि हम 40 केजी 700 ग्राम ही भर्ती ले रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अधिकारी धान खरीदी केंद्र पहुंचकर और इस व्यवस्था को सुधारने में सफल हो पाते हैं या किसानों को इसी तरह से अव्यवस्था में धान बेचना पड़ेगा। आरोपों की माने तो किसानों को समिति के द्वारा लेबर नहीं दिया जा रहा है और किसानों का कहना है कि हम लेबर खुद लेकर आते हैं। जब इस संदर्भ में हमने नायब तहसीलदार से बात की तो उन्होंने जांच करने की बात कही। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। सर आपका शुभ नाम? शुभ नाम मेरा विष्णु गुप्ता, नायब तहसीलदार रघुनाथ नगर। सर हम लोगों ने बलंगी धान खरीदी केंद्र पे गया और वहाँ किसानों का काफ़ी शिकायत मिला सर हमको कि वहाँ पर धान 41-200 की भर्ती ली जा रही है, और ये भी बात सामने आई कि कौन बोला है आपको 41-200 की भर्ती करने को। तो किसानों ने यह भी बताया कि समिति प्रबंधक के द्वारा हमें ऐसा बोला गया है कि इतनी भर्ती देनी है। तो इस संदर्भ में सर मैं आपको ये जानकारी साझा कर रहा हूँ, तो चाहूँगा कि आप दो शब्द इसमें बोलें। सर देखिए, इससे पहले हमने वाड्रफ नगर, रघुनाथ नगर, अपना सरना और इससे पहले बलंगी में भी जो समिति है वहाँ भी विजिट कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई शिकायत तो सुनने को नहीं मिला है। फिर भी अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम इस मामले की जांच कराएंगे और जांच कराकर उच्च अधिकारियों को अग्रसित करेंगे। सर एक और बात है सर, हम लोगों ने समिति प्रबंधक से इस संदर्भ में जब पूछा तो माइक के सामने से आने को वहाँ से वो ट्रक गए, बोले इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि किसान वहाँ पर बोल चुके थे कि हमने 41-200 की भर्ती दे रहे हैं उनके सामने पर। सर जी, अब मैं इसमें यही बोलना चाहूँगा कि जब तक हम जांच कंप्लीट ना कर लें इसमें कुछ बोलना उचित नहीं लगता अभी, तो इसकी जल्द से जल्द हम कार्रवाई, जांच की कार्रवाई कराते हैं। चलिए, आपने हमसे बातचीत की सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.